अच्छा रिकॉर्डिंग चालू है क्या? तो अभी हम लोग ना इधर ये गांधी चौक पे खड़े हैं। जो बंदा आ रहा है अपने परमिशन के लिए जो भी कर रहा है उसने डॉक्यूमेंट लेके रेडी खड़ा है, तो भाई अभी वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे कैसा है, गाड़ी का टन वगैरह लगेगा नहीं आगे। अब देखो कितनी छोटी मार्केट है, इस तरह का रोड है, हमने भी एकदम मुश्किल से साइड में लगा के रखा है। अरे भाई रुक जा, तो रास्ता देखो इस तरह का है, गाड़ी संभाल के चलाओ, कट्टू कट रहता है। और जहाँ पे मैंने दिखाया ना ये गांधी रोड जो था, गांधी चौक तो था, वहाँ से हम लोग परमिट के लिए गए थे। परमिट का ऐसा है, एक जन का 1200 रुपया लेता है परमिट का, तो हम लोग 6 लोग हैं, तो आप टोटल मान लो कितना हुआ परमिट का, 1000 रुपया गवर्नमेंट फी और 200 रुपया पर पर्सन एजेंट का। एडवाइस क्यों दिया था कि आपको ड्राइवर वगैरह चाहिए क्या, मेरे को समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो ये रास्ता इस तरह का है, नीचे पूरा ख़राब रास्ता है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। सो यहाँ पे ना इस तरह की देखो बाउंड्री लगी हुई है, यहाँ पे रेत की थैली लगी है, इसका मतलब कि सामने नेपाल आ गया। रास्ता पूरा देखो ऐसे ही है, हर जगह मट्टी उठ रही है, पर हम लोग ना सही टाइम पे निकल गए। पहाड़ में कैसा जल्दी अंधेरा होता है आपको पता है, 4:30-5 बजे ऐसे सनसेट होना शुरू हो जाता है। 3:30 हो रहा है, ऐसा डोगी मिलेंगे आपको यहाँ पे। रोड बहुत छोटी है, ओवरटेक करने के लिए भी बहुत जगह नहीं है, तो पहले से अगर बड़ी गाड़ी या कुछ आ रहा है तो साइड में लगा दो। पहाड़ का सिस्टम कैसा होता है, जो गाड़ी चढ़ रही ना ऊपर उसको पहले जगह देना, इस तरह का लैंडस्लाइड होता है, पत्थर गिरते रहते हैं। बस कर इधर ऊपर जाना है। ओ बाप रे, हो देखो उधर बाइक जा रही दिख रही ऊपर में, वहाँ जाना है अपने को घूम घूम के। तो जहाँ पे अगर मट्टी वगैरह हो ना रास्ते में, तो क्या करना मालूम है, गाड़ी को ना पहाड़ की तरफ चलाना, अगर आपका एक टायर नीचे गया ना तो पूरा गाड़ी खींच लेगा। ये देखो इस तरह का रास्ता है, बाय बाय। पहाड़ जितना नरम होता ना उसके से लैंडस्लाइडिंग ज़्यादा होती है। इसमें कौन सा तू जिंदा है, इसके लिए इसको पहाड़ों की रानी बोलते हैं। क्या दबा दबा रहा, मतलब तीनों अल्टो एक साथ में आ रही है, बड़ी वाली गाड़ी उसके पीछे के पीछे आ रही है रास्ता दिखाने के लिए। और अपनी मुंबई की इकलौती गाड़ी है जो LC ट्रैवल्स की तरफ से जा रही है गाड़ी, सिर्फ उत्तराखंड की गाड़ी यहाँ पर चल रही है, और मास्टर पासिंग का एक ही गाड़ी जो अपना है। ये सारी जो तैयारी हो रही है कैलाश मानसरोवर जो इसका रास्ते की, धीरे धीरे प्रोसेस है। फ्रेंड है उसका कॉल आ गया, परमिट वगैरह का काम कराते हैं। 2-3 बंदे हैं जो कंटिन्यू अपने साथ कॉल पे लगे हुए हैं, तो वो कोई भी जर्नी ना ऐसे कंप्लीट नहीं होती, बहुत लोग अपने को सपोर्ट करते हैं। तो उसने बोला कि ये सिया लेक करके एक जगह आएगी, वहाँ पे जो अपनी परमिट है वो चेक होने वाली है, तो वहाँ तक हम लोग ना अभी क्या करेंगे, कंटिन्यू ड्राइव करना है। यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं होता, बट कैसा मालूम है मौसम के हिसाब से वो डिपेंड होता है हर चीज़। अगर वेदर सही नहीं है तो आपको रुका देंगे आगे, परमिशन नहीं मिलेगा जाने का। तो सिया लेक जो है फटाफट पहले पार करते हैं, हमने अब मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं है, अभी 40 में स्पीड में चल रही है गाड़ी, मतलब समझ लो रोड कंडीशन अच्छा ही है। अभी ना मेरे को डर लग रहा है चलाते, अगर ये जब वीडियो में लगाऊंगा इसमें रिकॉर्ड करके, जब लोग प्ले करेंगे ना, मेरी फैमिली वाले मेरे को गाली देंगे, पड़ने वाली है। मम्मी आप देख रहे मालूम है, बोले ना तो अपने साथ है, कुछ नहीं होने वाला है, बट फिलहाल मेरी तो फट रही है अभी देख के। अपन किसका बुरा नहीं कहना, अपने साथ बुरा नहीं होता है, ये सब सोच के चलो। किसी का बुरा किया भी रहेगा तो यहाँ पे किसी का बुरा नहीं होगा, जानते भगवान माफ कर देगा। और एक काम चल रहा है, जाए क्या, अच्छा इस तरह से पहाड़ तोड़ दे क्या, वो देखने लगे रास्ता है सही है नहीं है। हाँ दिख गया। कीचड़ रहता ना, ये कीचड़ वो गाड़ी का टायर को ना पकड़ लेता है, तो क्या करना, पहाड़ की तरफ रहना, खाई की तरफ मत जाना, नहीं तो एक कभी है ना खींच के उस तरफ लेके जाएगा और आपके हाथ में कंट्रोल नहीं रहेगा। गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत सही है, महिंद्रा को मानना पड़ेगा भाई, महिंद्रा सही गाड़ी बनाया है। और यहाँ पर जितनी भी गाड़ी चल रही है ना, मेरे को लगता है 90% गाड़ी महिंद्रा की चल रही है। जो 10% बचते हैं ना वो सिर्फ अल्टो है। हाँ 10% खाली अल्टो में आएगी बस। कितना अमेजिंग व्यू आ रहा है, देखो मस्त गाड़ी वहाँ से जा रही है, पहाड़ ऐसा ऐसा धीरे धीरे ना रोड को कवर कर रहा है ऊपर से। अब तक तो कोई दिक्कत ऐसा लग नहीं रहा है, खाली देखो इस तरह का ना देखो सामने। अरे भाई भाई आराम से, गुस्सा मत करो भाई, अब भी घुस जाते एक दूसरे को, आराम से रुक जाओ, थोड़ी इज्जत दो एक दूसरे को।
बाप रे, मैं वही बोल रहा था, मट्टी वाला पत्थर है, दो पत्थर बड़ा सा गिरा सामने से। बोले ना ऐसा मत करो, बोले ना तुम लोग आ रहे उधर ही। सामने देख रहा है एकदम ऊपर जो गाड़ी आ रही है, पूरा एकदम हाइट वाला रोड है। अरे खड़ी चढ़ा एकदम, बाप रे गाड़ी खींच रहा है इधर उधर, मट्टी है ना। हाँ हाँ पहले पहले हॉर्स पावर बड़ा बड़ा के दिया भाई पहले गियर में, रिटर्न आया तो गए काम से। यार क्या और लग रहा है इधर से नीचे, बाप रे सामने कोई नहीं आ रहा भाई, सामने कोई नहीं आ रहा, बाप रे इधर से कैसे चढ़ाए लोग सीधा एकदम नीचे। रुक गया रुक गया, मैं खुद का भी गाड़ी रहेगा ना एक बार, इतना ड्राइवर लेके आ जाओ, हीरो नहीं बनने का, बहुत रिस्की है ये पैसे ना, बहुत रिस्की था ये स्टोरी। ऐसा कि रोड है ना पूरा यहाँ से था, बट इतना पत्थर गिरा उसकी वजह से ना नीचे से अलग रास्ता बना, रफ रास्ते में से आया ना, बाप रे कितना बड़े बड़े पत्थर गिरे, पूरा रोड ही खत्म हो गया, मतलब रोड दिख ही नहीं रहा वहाँ पे था करके। ऑप्शो किसी की गाड़ी वाड़ी ना अंदर यार। यहाँ पे देखो हमको क्या बोला कि जो भी परमिट का रूट है ना, परमिट जहाँ से चेक करते और वहाँ पे ना सियालेख करके बोला, बाप रे क्या पहाड़ है, वो देख के ना अजीब लग रहा है एकदम। तो सियालेख वाला रूट है, वहाँ तक बोला कि एकदम आप भगा के चलो, तब तक आप रुकना नहीं, बट ऐसा है कि नेचर कॉल तो आता ही है, ब्रेक छोटा सा ब्रेक लिया अभी सब जगह आप लोग फेल जाएंगे, हर जगह अलग अलग अपना अपना पॉइंट ढूंढ के। जल्दी से कैमरा बंद करता हूँ बिकॉज बहुत ठंडी लग रही है। सुगा जी ये हमारी टीम है, एलसी ट्रैवल्स का पूरा फैमिली है, ये जो टीम है हमारी पूरी, मैं ठंडी लग रहा है इसके लिए इग्नोर करें, ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। ये हमारी टीम है एलसी ट्रैवल्स की, हम सारे लोग ना जा रहे हैं अभी ओम पर्वत जा रहे हैं और आदि कैलाश जा रहे हैं। ये जिस रूट पर हमारी गाड़ी खड़ी है उसको बोलते हैं कैलाश मानसरोवर का रूट, और यहाँ से हम लोग आए। देखो कैसा कैसा डेंजर पत्थर वत्थर पहाड़ है, और हम जा रहे हैं इस तरफ की तरफ, इस तरफ हम लोग जा रहे हैं। और ये मैं हूँ एलसी ट्रैवल्स ललित परमार, आप सभी को जानते हो, और सीजे भाई सीजे परमार 81 उनका भी आईडी है इंस्टाग्राम पे, दोनों को जाके फॉलो करो, आपको बहुत सारा अमेजिंग अमेजिंग व्यू का पिक्चर्स मिलेगा। आपको अगर वीडियो फुल चाहिए तो हमारे चैनल पे आ जाओ, यूट्यूब पे आ जाओ। मतलब मैंने अमेजिंग व्यू दिखाया अभी, उसके बाद ना गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी यहाँ से, यहाँ से अपने को 43 किलोमीटर और भी चलना है, उसके लिए 1 घंटा 35 मिनट, मतलब समझ लो कि रोड कंडीशन आगे ना बहुत ख़राब होने वाली है, बट अभी का जो व्यू है ना मस्त लग रहा है। ठंडी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो मैंने क्या किया एसी को धीरे धीरे ना टेम्परेचर 25 पे कर दिया। एसी में रहने का फ़ायदा क्या मालूम है कि बाहर का जो टेम्परेचर डायरेक्ट हवा आपको लगेगी नहीं, एक मेंटेन टेम्परेचर रहेगा जो गाड़ी के अंदर होता है, तो उसके वजह आपकी ना तबीयत ख़राब नहीं होगी। विंडो खोल के बैठोगे जल्दी आपका सर पकड़ेगा। 1 घंटा 22 मिनट अभी भी दिखा रहा है, और टाइम हुआ 4:48, सनसेट जैसा होने लगे, पूरा अंधेरा हो गया। अब कोई रोड पे मिलने वाला है नहीं मेरे को लगता है। जब ये मैप में दिख रहा ना ये वाला, आप देख लो आगे जाके क्या हाल होने वाला, मतलब इतना नज़दीक नज़दीक में ना कव है इतना, देखते हैं कितना क्लोज में है। वाह वाटरफॉल, पानी एकदम साफ है लेकिन बहुत ठंडा है। अब यहाँ से कव चालू हो रहा है, वहाँ के साथ मेरे को लगता है ये पहाड़ ऊपर चढ़ा रहा है क्या, रोड है कि नहीं ऊपर, क्या हो रहा है क्या रहा है भाई। पहले तो अपन आगे चढ़ गए, बस इंजन बंद नहीं होना चाहिए, बस ऐसे 3-4 है भाई, एक तो गया, फोन मारते रहे ना। हाँ चलिए तो ठीक है, गाड़ी आ रही सामने से, दो और बचे हैं। ये लोग क्या किया, पूरा पहाड़ डायरेक्टली चढ़ा दिया, बस कोई सामने मत आना। अरे भाई 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 भाई, भाई। एक नंबर चढ़ गए, एक बच्चा है भाई, एक बच्चा है। ऑन मार नहीं कोई नहीं है, चल भाई इधर भी पहुंच गया, गाड़ी कहीं गई तो अपने आप ही चलने भी है। जहाँ ख़राब है ना वहाँ मतलब अपना दिमाग ख़राब हो जाए, इतना ख़राब है, एक्सट्रीम लेवल वाला ख़राब रास्ता है। अभी मस्त सीधा है भोलेनाथ, हम लोग यहाँ तक आ गए हैं भोलेनाथ, सो मत जाना, आप सो गए हम भी सो। हाँ घुमा बस
पीछे से एकदम ही ऐसे ऊपर अटक है अंकल जी, वो वाले पैच में गाड़ी अटक जा रहे हैं बोल रहे हैं। इनका भी देखो अटक गया, इनने भी मस्त ऊपर लिया था। चीज आगे मौसम बनाने है, इस गाड़ी को भी हटाना है, पीछे ले जाओ चौड़ा से, वहां से मौसम बना के चलो। एक बार इनसे बात कर लीजिए, मौसम बना के निकालो ना। अरे पीछे से लेना चाचू, चाचू हट जाओ। बहुत खतरनाक पैच है भाई। तो हमारी 4x4 नहीं है, गाड़ी का वेट भी बहुत ज़्यादा, फ्रंट व्हील है, फ्रंट व्हील का भाई गलत सीन है, आगे का व्हील फंस गया तो ख़त्म, गाड़ी सीधा नीचे खाई में। ध्रुव अवे इस साइड। फाइनली सब हमने पैच पूरा कर दिया, बच्चे नीचे खड़े थे उनको बुला लिया, बहुत डेंजरस था भाई। चल 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 जल्दी चल, चल 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 चल। रिकॉर्ड कर रहा क्या? हाँ भाई, लाइफ में ना सच्ची बोलो, वीडियो पोस्टिंग पहली बार कभी नहीं वाला मैं जाएगा। हाँ मतलब एक एक सेकंड ऐसा हो रहा ना, स्पीड से मैंने गाड़ी चलाई वहाँ से, वो कोने में से निकाली ना, ऐसा लग रहा बस यहाँ इधर का उधर हो गया, वो टर्निंग में फिर भी फंस गई थी। मतलब पत्ता लेके हम खड़े, गाड़ी पीछे आ जाए, हम चले जाएंगे गाड़ी के नीचे। दिन में गाड़ी चलाना, रात में नहीं चलाना, रात में नहीं आना, रात में मट्टी थोड़ी गिल्ली होती है और पकड़ना तो दिक्कत नहीं है। पैर का बराबर खड़ा कैसे रहोगे समझ नहीं आ रहा है। चार्जर तो मैं मोबाइल मोबाइल बंद कर देती हूं भाई, पैच बहुत खतरनाक है भाई। ये देखो हम वहां थे, वहां से गाड़ी हमने ये वाला पैच पे चढ़ाई है, बहुत मुश्किल था। अच्छा गाड़ी है तो देखो ये पैच से ये अंकल ने निकाल ली भाई। अब देखो ये एक और आ रही है, लोकल है इसके लिए बड़ी इजीली निकाल ले रहे हैं लोग। 4x4 है ये भाई, फ्रंट व्हील बहुत मुश्किल है भाई, बहुत। और ऊपर देखो बर्फ का पहाड़ पूरा चमक रहा है। वो देखो कैसी गाड़ी की वो, अभी 4x4 देखो। तो डिफिकल्ट वाला पैच था एकदम, वो हमने पार कर लिया, पता नहीं कैसे पार किया, क्या ही दिख रहा पता नहीं, इतना फॉग। हाँ तो डिफिकल्ट वाला पैच पार कर लिया, और मेरे को ये पता मेरे कैसे हालत हो गई थी, यहाँ पे नीचे उतरे, ये वाला बूंदी है कुंजी, यहाँ से आगे ये वाला बूंदी करके कोई विलेज है, वहाँ पे हम लोग रुके हुए। अभी यहाँ पे होम से देख रहे हैं, खाने के साथ यहाँ पे रेट है 500 रुपया पर पर्सन है, मतलब समझो कि एक आदमी का 500 रुपया आपको रहने मिलेगा और खाना भी मिलेगा। तो हमारे साथ बच्चे भी है, देखते हैं जो भी बार्गेनिंग होगा, फाइनल प्राइस करके भाई गए ऊपर देखने के लिए। यहाँ पे स्टे वैसा है, इधर एक घर है, अंधेरे में पता नहीं क्या दिख रहा, ऊपर की तरफ है दूसरे घर, भाई ऊपर गए, सामने जो लाइटें जल रही उधर गए और देखेंगे जगह। ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, ये वाला जो वीडियो अच्छा लगा रहेगा पूरा रोड का तो एक बार लाइक ठोक देना, कमेंट मार देना, बहुत रिस्की है, अगर आप सेल्फ ड्राइव करके आना रहेगा तो प्लीज़ मत आओ, बिकॉज मैंने इतना चलाया इंडिया में कोई रोड मैंने बाकी नहीं रखा, इतना मैंने ट्राई किया फिर भी मेरी हालत हो गई थी, बिकॉज मेरे को डर लग गया, फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा डेंजर मैंने रास्ता देखा नहीं, मट्टी में ना गाड़ी कहीं भी जाती है और चढ़ती नहीं है और रिटर्न आती है तो सीधी खाई में जा सकती है। तो लोग पत्थर लेके ना यहाँ खड़े थे टायर के पास, पत्थर लगा के उसको रुका है गाड़ी अगर रिटर्न आएगी तो, ये सब कंडीशन थी। कैसे कैसे हम लोग आ तो गए, पहले कुछ स्टे का ढूंढ लेते और खाना खा लेते, सुबह से हम लोग कुछ खाना नहीं खाया। सो गाड़ी को उन्होंने उधर वहाँ पे लगा के रखी है और आसपास में से होम स्टे रहता है तो ये वाले होम स्टे यहाँ पे रुके, रात में इतना दिखेगा नहीं बट सुविधा अच्छी रहती है, अंदर आएगा ना तो ठंडी कम लगती है, हमने स्वेटर वेटर सब डाल के रखे हुए और यहाँ पे ना हम लोग को अलग से रूम दिया ऊपर की तरफ, वहाँ पे हम लोग सोएंगे। यहाँ पे एक शॉप है
तो आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी, आपको चाहते तो जो भी लेना चलेगा ना, बहुत सारा कलेक्शन है। बट आप यहाँ पे मैं समझो कि पहाड़ में आपको नहीं मिलेगा, हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी, बहुत सारा कलेक्शन है। और ये वाला किचन है, इनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको डाल दूंगा, यहाँ पे आना, यहाँ पे आके स्टे करना, अच्छे से आपको घर से खाना मिलेगा इधर। तो गाइस हम लोग यहाँ पे रुक चुके हैं आंटी के वहाँ। तो इनका नाम है पार्वती मैडम, ये ना हमारे लिए खाना बना के दे रहे हैं, तो बच्चों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे ना दोनों को मैगी बना के दे रहे हैं। कब से लोग खड़े मैगी मैगी कर रहे हैं, एक इधर छोटा सा यहाँ पे भी, और एक थोड़ा और छोटा बच्चा यहाँ पे है, और इसके पीछे मैं हूँ, ठीक है। बाकी लोग सब ऐसे खाने की वेट कर रहे हैं, ऐसे 10-15 से खाना नहीं खाया, देखो पीछे भी एक बड़ा आदमी खड़ा है तो सारा खाना खा लेता है। सो ये डोगी देख लो, यहाँ पे ना इस तरह के डोगी होते हैं एकदम बड़े बड़े। तो खाना अपना हो गया, इतना राइस बना मैंने बोला इतना हम लोग नहीं खा पाते। हाँ कोयराला का अच्छा रही है। क्या काम करता है ये? शुगर का, शुगर बढ़ाता है कम करता है? कम करता है, अच्छा करता है, दवाई है। अभी बहुत हो गया, हम लोग खाना वाना खाते हैं, फिर ऊपर जो रूम है वहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट का क्या हो गया? इन्होंने यहाँ पे ना गलत कुछ वायर डाल दिया, तो ऊपर का इसका फ्यूज उड़ गया, तो लाइट है नहीं, तो हम ऊपर जाएंगे अंधेरे में अपनी टॉर्च जला के वहाँ जाके सो जाएंगे। सुबह का ऐसा प्लान करेंगे, जल्दी उठेंगे, जल्दी निकलेंगे, जो भी रहेगा मैं सुबह आपको अपडेट करेगा। सो इस तरह का भाजी है, चपाती है, खाना बहुत सही है, बहुत अच्छा बना है, थैंक यू। देखो यहाँ पे ना ये बंदा मैगी खा रहा है, वहाँ से सारा खाना आ रहा है, और बाकी लोग देखो सबसे पहली थाली अपनी भगवान को दिगो को लगती है, वो पहले खाता है। ख़त्म भी हो गया भाई, इसने एक राउंड फन ख़त्म भी कर लिया, बाकी हम लोग सारे लोग खा रहे हैं अभी। सो इस तरह का रूम है देखो, यहाँ पे ना लंबा रूम दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले में कोई क्यों नहीं सो रहा, बिकॉज दरवाज़ा यहाँ पे हवा आएगी सारी, लाइट है नहीं बिकॉज उसने पहले फ्यूज उड़ा दिया पारो मैडम ने, तो यहाँ पे ऐसा करके ना लास्ट में मैं सो जाऊंगा, बाकी सारे लोग इसमें सेट हो जाएंगे। क्या करना, मोबाइल वोबाइल जो भी डिवाइस रहेगा ना उसको बाहर नहीं रखना, उसको कपड़े में लपेट के अंदर डाल देना, अदरवाइज सुबह तक ना इसका बैटरी लो हो जाएगा। कैप पहनेगा, कैप में टॉर्च को इसे डाल देने का, छोटी वाली टॉर्च लेने का चार्जिंग वाली, ये वाली टॉर्च बहुत चलती है। चलो अभी सोते हैं, सुबह का जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगा।